हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेलटेल में आई हुई 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, जहां डिप्लोमा और बीई बीटेक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं और काफ़ी अच्छा स्टिपेंड भी यहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसमें भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी आपको मैं वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं एक आसान सवाल पूछूँगा, जिसका राइट आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज का सवाल जो है, तो क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इंडिया अनवेल वर्ल्ड लार्जेस्ट विजय सेंटर। योर ऑप्शन इज नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। भारत ने किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा वीजा केंद्र अनावरण किया है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, आपको इसका राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं सबसे पहले कौन राइट आंसर लिखता है। वीडियो के लास्ट में मैं जो है इसका आंसर बता दूंगा। चलिए अब चलते हैं वैकेंसी के बारे में, बताते हैं क्या है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसा कि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो देख लीजिए यहाँ पे बी और बीटेक वाले कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं। तो देखिए यहाँ पे ग्रेजुएट, जो पहले मैं स्टिपेंड की बात कर लेता हूँ, तो जो ग्रेजुएट इंजीनियर है उनके लिए 12,000 स्टिपेंड प्रोवाइड किया जाएगा और जो डिप्लोमा कैंडिडेट है उनके लिए 10,000 स्टिपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। जॉब लोकेशन जो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और टेटरीज ऑफिस हैं कुछ यहाँ पे जो आपको बता दिया जाएगा। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे बी और बीटेक के कैंडिडेट और डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल हैं, 60% मिनिमम रिक्वायरमेंट है दोनों डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए। देन ब्रांच की बात किया जाए यहाँ पे, जो ब्रांच एलिजिबल है आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ये जितने भी ब्रांच है यहाँ पे सब एलिजिबल हैं। सो ये था इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है यहाँ पे मैक्सिमम 27 साल रखी गई है, बाकी जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ओबीसी के लिए 3 साल रिलैक्सेशन और एससी एसटी के लिए 5 साल रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यहाँ पे फ्रेशर्स कैंडिडेट एलिजिबल हैं और जो उन्होंने जॉब कर रखा है या फिर उनके पास एक्सपीरियंस है या फिर पहले से ही कहीं अप्रेंटिसशिप वगैरह या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रखे हैं तो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। बात करते हैं लास्ट डेट की, तो जो फॉर्म है इसकी लास्ट डेट है आपका 25 अक्टूबर। ध्यान रखिएगा 25 अक्टूबर से पहले जो है आपको फॉर्म को फिलअप कर देना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है 1 ईयर का, जिसका लोकेशन भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब हम बात करेंगे फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत अच्छा से डिस्क्राइब कर रखा है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो वहां से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसमें आप सारी चीज़ें कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको पहले क्या करना है, www.mhrdnat.gov.in पे जाके पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना। तो रजिस्ट्रेशन के जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है उसमें आपका आधार कार्ड, डिग्री, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैंक अकाउंट और वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे सारा चीज़ दे रखा है कि पहले आप जो है इस वेबसाइट को क्लिक करोगे, देन वहाँ पे अपना रोल नंबर, जो भी चीज़ वहाँ पे पूछी गई है आप उसको फिलअप करोगे। तो ये जो पूरा डिटेल है, ये नोटिफिकेशन दिया गया है कैसे आपको अप्लाई करना है। देन पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे रेलटेल का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाके आप फॉर्म को रेलटेल की द्वारा जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो ये जो नोटिफिकेशन है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप जान सकते हो कि कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है। और बात मैं एक बता दूं कि रेलटेल में जनरली जब वैकेंसी आती है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए आती है। यहाँ पे फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए बहुत ही कभी रेयर में ही एक वैकेंसी आई हो तो आई हो, लेकिन मोस्टली जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आती हैं। तो अगर आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप यहाँ से करते हो तो आपको जो इसमें जो एक्सपीरियंस स्पेसिफिक जॉब आती है वहाँ पर प्रेफरेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। सो फ्रेंड, ये था रेलटेल से आई हुई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था उसके राइट आंसर का। सो क्वेश्चन था कि इन विच कंट्री इंडिया अनवेल वर्ल्ड लार्जेस्ट वीजा सेंटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका, और ये इसकी जो करेंसी है वो ढाका है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। सो फ्रेंड, यहाँ से हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।